लजीज इंडिया। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मैडी, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और लजीज मस्ती भरे सफर पर। यह है लजीज इंडिया, इंडिया का स्वाद मेरे साथ। और आज इस मस्ती की शुरुआत हो रही है गुड़गांव में बसे किंगडम ऑफ ड्रीम के साथ, जहां पर आप बहुत कुछ चख सकते हैं, बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं, बहुत सारा कल्चरल एक्स्ट्रा वेगेंजा एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ किंगडम ऑफ ड्रीम से, कुछ खास सिर्फ आपके लिए। एंड फाइनली आई एम हियर किंगडम ऑफ ड्रीम के कल्चर गली में आ गया हूँ। देखे तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप ऊपर नजर डालेंगे तो आपको एक खुला आसमान नजर आएगा, लेकिन मैं आपको रिवील कर दूं ये खुला आसमान नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में खुला नीला आसमान देखना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी आप यहाँ पर आके बहुत अच्छा फील करेंगे जब ऊपर की तरफ देखेंगे, और ऊपर से निगाहें थोड़ी नीचे ले जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टेट नज़र आएंगे, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ खास नज़र आएगा। जैसे अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की आपको ट्रेन नज़र आ जाएगी, दिल्ली की बात करें तो आपको चांदनी चौक नज़र आ जाएगा, लखनऊ की बात करें तो वहाँ का इंटीरियर आपको बहुत अच्छा नज़र आ जाएगा, और अगर आप पंजाब की बात करें तो भाई पंजाब का ट्रक आपको नज़र आ जाएगा। तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कल्चर गली में लजीज इंडिया की ऑडियंस के लिए क्या है खास, आइए। और मुंबई के बाद आ गए हैं कथकली कर्नाटका, गोवा, भाई माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम लखनऊ के करीब पहुंच गए हैं। अमेजिंग इंटीरियर्स हैं, और आपको बता दूं बढ़िया तरीके से माहौल बना रखा है कि आप खाएंगे तो आपको वाकई यकीन हो जाएगा कि आप लखनऊ में आए हुए हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम की कल्चर गली घूमने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और अभी मैं बहुत सारे पवेलियन घूम के आ चुका हूँ, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, कर्नाटका हो, आई मीन देयर सो मेनी। तो भाई अभी थोड़ी थकान हो गई है, और जब आदमी थक जाता है तो कुछ खाता है, और हमारा तो काम ही खाने का है भाई। और आप ठीक पीछे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं मैं कौन से पवेलियन के बाहर खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ पंजाब के पवेलियन के बाहर, जहाँ पर लोग खाना जानते हैं, लेकिन वो भी रज के। आइए अंदर चलते हैं और ट्राई करते हैं पंजाब के जायके सिर्फ आपके लिए। तो जी अब बारी है यहाँ के स्पेशल कल्चर और यहाँ के स्पेशल फूड को टेस्ट करने की, और सबसे पहले आ गई है एक बड़ी सी थाली, थैंक यू सो मच। और मैं क्या जी, बड़ी सी थाली को देख के मेरी भूख दोगुनी हो गई है, और अभी चौगुनी हो जाएगी जैसे ही अगला। एंड हियर वी गो, वी गॉट दिस इज लस्सी। तो जी सबसे पहले हमें कुल्लड़ वाली लस्सी मिली है, और इसी के साथ मिला है आई बिलीव पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का के साथ क्या आएगा पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया ना भाई भूख बढ़ चुकी है, तो पनीर टिक्का ट्राई करते हैं फटाफट से। भाई वाह, पनीर टिक्का थोड़ा सा तीखा ज़रूर है, लेकिन मैं कह जी अगर आपको कुछ बढ़िया खाना होता है ना, तीखा होना बहुत ज़रूरी होता है, अमेजिंग। और नेक्स्ट चीज़ आ रही है चटनी, प्याज, और प्याज के साथ साथ एक और ट्रे आ रही है, देखते हैं क्या है उसमें। पंजाबी दाल तड़का और अमृतसरी कुलचा,
करते हैं अमृतसरी कुलचा, थैंक यू सो मच। तो भाई आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पंजाबी डेलिकेसीज यहाँ पर आ गई है, पंजाबी डेलिकेसीज यहाँ पर है। और अब बारी है इन सारी चीज़ों को ट्राई करने की। पनीर मैं ट्राई कर चुका हूँ, थोड़ा सा तीखा लेकिन बहुत ही बढ़िया है। अब ट्राई करते हैं यहाँ की स्पेशल दाल तड़का। और स्पेशल अमृतसरी कुलचा। बहुत बढ़िया। वैसे ट्रेडिशनली अमृतसरी कुलचा छोलों के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन क्योंकि वेरिएशन हम चाहते थे तो हमने दाल तड़का मंगाया, पनीर टिक्का मंगाया, हमने स्पेशल लस्सी मंगाई वो भी कुल्लड़ में, और आखिरी में अमृतसरी कुलचा। तो ओवरऑल अगर हम टेस्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। मैं क्या जी, चक दे पटे नब दे किली। क्या पंजाब के बाद मैं सीधा वेस्ट बंगाल आ गया हूँ, तो दादा चले क्या, आ जाओ। तभी तो रे दक्षिणो के ना तुम्हें अकेला चलो रे। फाइनली आई एम हियर एट वेस्ट बंगाल पवेलियन। और पवेलियन में आप एंटर करेंगे, रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपको बंगाल का पूरा कल्चर शोकेस किया गया है यहाँ पे एक छोटी सी फोटो गैलरी के थ्रू। इनफैक्ट अगर आप टेबल पे बैठेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स नज़र आ जाएंगे, वहाँ की ट्रेन नज़र आ जाएगी, दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा मशहूर है बंगाल में वो नज़र आ जाएगी। और आपको बता दूँ बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत विविधताएँ हैं। आई मीन आप चाहे लिटरेचर को उठा लीजिए, आप म्यूज़िक को उठा लीजिए, आप आर्टिस्ट को उठा लीजिए, सिनेमा को उठा लीजिए, और आखिरी उंगली मेरी बची है आई थिंक थंब, और थंब को आप ऊपर करते हैं वहाँ के क्यूजीन को उठा लीजिए। भाई क्यूजीन की बात आ गई है तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बंगाली क्यूजीन। चले जी, मार्चो सरसों झोल। मैं बोलने में थोड़ा सा झोलझाल हो रहा है, खाने में झोलझाल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फटाफट से मैंने मच्छी और ये बढ़िया सी ग्रेवी ले ली है। आपने इंग्लिश मस्टर्ड ट्राई करी होगी, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है जस्ट बिकॉज मैं रह नहीं पा रहा खाए बगैर। तो इंग्लिश आप मस्टर्ड जब ट्राई करते हैं, चाहे वो हॉट डॉग्स के साथ हो या सैंडविचेस के साथ हो, ठीक वैसा ही कलर है, येलोइश कलर है। और जैसा सरसों शब्द आया है, मच्छी शब्द आया है, तो ऑब्वियसली मच्छी और सरसों का पूरा पूरा इस्तेमाल किया गया है। अब बारी आती है इसकी टेस्ट की। अमेजिंग। तो भाई बंगाल पवेलियन की मच्छी और राइस खा के, मच्छी भाप खा के, मच्छी सरसों झोल खा के आई एम रियली रियली हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस खुशी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के पवेलियन अभी भी बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट को। किंगडम ऑफ ड्रीम की कल्चर गली में मस्ती और धूम जारी है, मेरी जर्नी भी जारी है। अब बारी है गोवा की। भाई गोवा का नाम आते ही आपके दिमाग में ढेर सारी मस्ती, समुद्र का किनारा और बढ़िया बढ़िया सी फूड दिमाग में घूमता है, राइट? तो भाई सीधा चलते हैं गोवा पवेलियन में, ट्राई करते हैं यहाँ की कुछ स्पेशल क्यूजीन सिर्फ आपके लिए। तो भाई गोवा में हम आ चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये जादू कैसे हो गया। भाई गोवा में जादू हो सकता है। और गोवा की अगर हम बात करें तो 1972 में एक मूवी आई थी जिसने जादू कर दिया था अमिताभ बच्चन की लाइफ में। 1972 बॉम्बे टू गोवा महमूद साहब ने डायरेक्ट करी थी, और ठीक उसके बाद अमिताभ बच्चन की तो निकल पड़ी जंजीर और भी बाकी फिल्में बैक टू बैक। एंड फाइनली यू नो अमिताभ बच्चन इज स्टार ऑफ द मिलेनियम। चलिए जी, अमिताभ बच्चन की बात हो गई, अब बात करते हैं गोवन फूड की। हमारे ठीक सामने कुछ पड़े हैं प्रॉन्स, साथ के साथ है फिश आमचे। भाई फिश आमचे की अगर हम बात करें, फिश आमचे की खासियत ये है कि इसके अंदर आमचूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। साथ में दिए गए हैं कुछ करारे पराठे। भाई आप देख सकते हैं पराठों की शेप, ऐसा लगता है किसी डायरेक्शन में आपको भेजना चाहते हैं। डायरेक्शन शायद ये बता रहे हैं कि फटाफट टेस्ट करो और निकलो। तो ट्राई करते हैं फटाफट से ये स्पेशल पराठे और फिश आमचे।
वाकई जैसा मैंने आपको बताया था, खट्टी खट्टी इसकी जो ग्रेवी है, साथ में थोड़ा सा इसमें तीखापन है, अमेजिंग। अब बात करते हैं फिश की। थोड़ी सी हार्डनेस है, लेकिन जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स हमेशा फिश का कहना ही होता है कि जितने फ्लेवर हो एब्जॉर्ब कर लो, तो फिश बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जायकेदार है। अब बारी आती है प्रॉन्स की। भाई वाकई मजा आ गया। अगर आप कभी भी किंगडम ऑफ ड्रीम आए कल्चरल गरी में, गोवा पवेलियन आना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छा सी फूड इंजॉय कर सकते हैं, और साथ के साथ आपको बता दूँ एम्बियंस बहुत अच्छा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी बॉटल्स हैं,